अब बात करेंगे केरल में कुदरत के क्रोध की। वायनाड में विनाश लीला हुई है, तबाही के उस मंजर की हम बात करेंगे जिसे देखकर हर कोई सिहर उठा दहल गया। आपको हम वायनाड में आई पहाड़ तोड़ कयामत की, वहां हुए जल संहार की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले वायनाड से जुड़ा एक बड़ा अपडेट आप जान लीजिए। आपको बता दें, वायनाड में लैंडस्लाइड से मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 151 हो चुका है। आज रेस्क्यू ऑपरेशन का दूसरा दिन है। आर्मी, एयरफोर्स, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस, फायर ब्रिगेड, स्पेशल डॉग स्क्वाड लगातार रेस्क्यू में जुटे हैं। और इन सबके बीच आज भी वायनाड में बहुत भारी बारिश होने की आशंका है। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी कर दिया है, तो जाहिर तौर पर रेस्क्यू में दिक्कतें आ सकती हैं। और तस्वीरें हम आपको कुछ और दिखाते हैं, उन तस्वीरों को जरा देखिए, समझिए आसमानी आफत के आगे जब एक नहीं चार चार गांव बह गए तो तबाही का कैसा मंजर रहा होगा। लैंडस्लाइड के बाद मलबे के सैलाब में घर, मकान, दुकान, गाड़ी, सड़क, पुल सब खुद ब खुद बहता चला गया। सैकड़ों इंसान और बेजुबान जानवर मलबे के सैलाब में जिंदा दफन हो गए। इतने डराने वाले वीडियो सामने आए हैं जो आपको विचलित भी कर सकते हैं। और मौत का आंकड़ा इतनी तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है कि सभी सहम से गए हैं। ये तस्वीरें जरा आप देखिए किस तरीके के हालात वहां पर बने हुए हैं। कुछ और तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। वायनाड का जो चूरलमाला गांव है, इस भीषण त्रासदी का एपी सेंटर बन गया है। सबसे ज्यादा नुकसान और तबाही इसी इलाके में हुई है। तस्वीरें जरा आप देखिए आसपास किस तरीके का मंजर दिख रहा है। ये देख रहे हैं आप, मलबा है, सैलाब है, लोग जहां तहां फंसे हुए और रेस्क्यू टीम से जुड़े लोग वहां पर लगातार तैनात हैं, मुस्तैद हैं। कोशिश ये की जा रही है कि जो लोग वहां पर मलबे में दबे हुए हैं जल्द से जल्द उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला जाए, आसपास के अस्पतालों में इलाज के लिए पहुंचाया जाए। क्योंकि जितना समय गुजरता जाएगा जो लोग जहां तहां फंसे हुए हैं उनके बचने की जो संभावना है वो कम होती जाएगी। ये आप देख पा रहे हैं तस्वीरें किस तरीके से ये पूरा इलाका जहां पर जिंदगी गुलजार हुआ करती थी, आज आप देख रहे हैं तबाही का मंजर हर तरफ नजर आ रहा है। ऐसा लगता है कि मानो एक कोई टापू हो, कोई आइलैंड हो, हर तरफ पानी ही पानी। तो वायनाड का जो चूरनमाला गांव है, इस भीषण त्रासदी का एपिसेंटर बना, उसी की तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। इस वक्त वहां पर जैसे हालात हैं, उन हालात में वहां तक पहुंचना भी बहुत मुश्किल हो चला है। लेकिन तमाम मुश्किलों का सामना करते हुए मेरे सहयोगी आशीष चूरनमाला गांव पहुंचे हैं। आप देखिए वहां की तबाही की ये ग्राउंड रिपोर्ट। हम इस समय हादसे के केंद्र चूरनमाला में हैं। आप देख सकते हैं पीछे, यही वो जगह है जहां पर करीब अभी जो पानी और नदी दिख रही है और जो टापू जैसा दिख रहा है, यहां पर किसी समय इस हादसे से पहले, इस लैंडस्लाइड से पहले करीब आधा दर्जन घर होते थे। आप देख सकते हैं एक घर जो जैसे नुमा आपको दिख रहा है वो डेबरी में, मलबे में दबा हुआ है। वो इस गांव का मंदिर होता था और आप देख सकते हैं अभी उसकी स्थिति कैसी है। करीब करीब एक तिहाई से ज़्यादा या कहें आधे से ज़्यादा पूरी तरीके से मलबे के अंदर है। और आप ये पूरा एरिया देख सकते हैं, यहीं पर सबसे ज़्यादा इफेक्ट हुआ, सबसे ज़्यादा असर हुआ इस लैंडस्लाइड का। इस चूरमाला में जो गाँव है यहाँ पर दो लैंडस्लाइड हिट हुई हादसे के दिन। तीन कुल मिलाकर लैंडस्लाइड हुई, दो लैंडस्लाइड दो बार थोड़े थोड़े अंतराल के बाद इस गाँव पर हिट हुई। पहले लैंडस्लाइड के बाद लोगों को निकाल कर स्कूल के, मंदिर के पास ही एक स्कूल है, वहां लाकर रखा गया। और आप देख सकते हैं आपको स्कूल का सिर्फ एक हिस्सा ही दिखता नज़र आ रहा है, पूरी तरीके से वो स्कूल मलबे में दब चुका है, उस स्कूल में रखा गया। लेकिन दुर्भाग्यवश फिर से लैंडस्लाइड हुए और पूरा लैंडस्लाइड का जो मलबा है स्कूल और इस आसपास के जितने आधे दर्जन से करीब जो गाँव और घर थे वो उनको कवर करता हुआ पूरी तरीके से यहाँ पर उसने तबाही मचाई। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो खिड़कियों के पीछे जो पूरा मलबा है वो कैसे भरा हुआ है, पूरी तरीके से जो है आप देख सकते हैं कार, जेसीबी, ये बहुत बड़ी जेसीबी है, ये मलबे में कैसे दब गई है पूरी तरीके से, तो पूरी तरीके से दब गई। हम यहाँ पर इस मलबे और इस जेसीबी के जो ओनर हैं उनसे बात करने के, सर ये जब घटना हुआ था, जब ये इंसिडेंट हुआ आप कहाँ थे? मेरा नाम सिल्वराज, आपका टू डेज आए गया एस्टरडे फ्रेंडली में, दास्ती बारिश आ गया टू प्रॉब्लम आ गया, दास्ती कितना 100 आदमी डेड बॉडी चला गया हॉस्पिटल में। अभी तो जेसीबी पूरा खराब हो गया अभी? हाँ खराब हो गया। तो सिर्फ जेसीबी नहीं, कई सारे जीप कार आप देख सकते हैं कैसे पूरा मलबे का ये ढेर जो है वो यहाँ बना हुआ है। और ये पूरी तरीके से ये स्थिति है इस चूरमला गांव की। मैं आपको दिखाऊं ये हादसे की पूरी जगह, तो
तो ये जो पेड़ हैं, बड़े बड़े पेड़ कैसे उखड़कर बिल्कुल तिनकों के माफिक यहाँ बहते रहे, और इसकी वजह से सबसे ज़्यादा जो है वो यहाँ पर मुश्किल हुई, सबसे ज़्यादा तबाही इस शूरमाला गांव में हुई है, और इस वजह से यहाँ पर पूरा का पूरा सबसे ज़्यादा जो है वो तबाही हुई और सबसे ज़्यादा मौत और त्रासदी का शिकार यहाँ पर लोग हुए। अब उम्मीद की जा रही है कि राहत और बचाव कार्य और चलेगा। मौसम एक बहुत बड़ा चैलेंज है, रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम के चैलेंजेस के बीच में जो राहत और बचाव कर्मी हैं वो रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं, और वो जो हैं यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि अगर कोई ज़िंदगी की उम्मीद बची है तो उसको ढूंढा जाए, उसको बचाया जाए। कैमरा पर्सन विकी के साथ आशीष, एबीपी न्यूज़ शूरमाला। तो आपका अपना चैनल एबीपी न्यूज़ उस जगह पहुंच चुका है जहां पर जिंदगी इस वक्त बहुत मुश्किल है। वायनाड में युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन, आज रेस्क्यू ऑपरेशन का दूसरा दिन है। आर्मी तक की मदद लेनी पड़ी है, एयरफोर्स की मदद ली जा रही है, एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें लगातार वहां पर डटी हुई हैं, पुलिस और फायर सर्विस भी मोर्चे पर है। इसके अलावा स्पेशल डॉग स्क्वाड को भी रेस्क्यू में वहां पर लगाया गया है। जो लोग मलबे के अंदर दबे हुए हैं ताकि उनके बारे में जानकारी मिल सके, और अलग अलग जगहों से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो तस्वीरें एक बार फिर से मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये देख सकते हैं आप, राहत और बचाव का काम जो चल रहा है इस तस्वीर में आप देख पा रहे होंगे। ये हमारे सेना के जवान हैं, एयरफोर्स के लोग हैं, जो इस व्यक्ति को जो यहाँ पर आप देख रहे हैं ऐसा लगता है कि उस जगह से लाया गया है, कहीं ये मलबे में हो सकता है दबे होंगे, और ऐसे में अब जल्दी से एयर एम्बुलेंस की मदद से इन्हें यहाँ से ले जाया जाएगा ताकि जल्द से जल्द इनका इलाज शुरू हो सके। अभी भी कई लोग फंसे हुए, देखिए ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये किसी मकान के अंदर जो अचानक से वहां पर मलबा आया और उसकी वजह से ये पूरा हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया, दब गया। इसके अंदर ऐसा लगता है कि कुछ लोग अंदर फंसे हुए हैं और इन्हें निकालने की कोशिशें की जा रही हैं। ये आप देख पा रहे होंगे, ये जो राहत बचाव कर्मी दल के लोग हैं किस तरीके से एक दूसरे को इशारों में बताते हुए कि किस तरह की मशीन चाहिए ताकि वहां पर कटिंग वगैरह कर सके, अंदर फंसे हुए उस व्यक्ति को निकाला जा सके। मैं आपको लिए चलता हूँ, वहीं पर मौजूद है हमारे सहयोगी आशीष वायनाड में, उन्हीं के पास चलते हैं। आशीष, अब सबसे बड़ी चुनौती है राहत और बचाव के काम में कि मौसम बाधा बनता हुआ दिख रहा है। आज भी खबर आ रही थी कि रेड अलर्ट है, यानी भारी बारिश होगी, क्या कुछ और देख पा रहे हैं आप वहां पर? जी देखिए, हम इसमें शूरमाला गांव में हैं जो हादसे का एपिसेंटर रहा है। यहाँ पर दो लैंडस्लाइड हुई हैं थोड़े थोड़े अंतराल के बाद, और ये पीछे मैं आपको वो जगह दिखाना चाहूँगा जहाँ पर हादसे से पहले करीब आधा दर्जन घर होते थे, अब पूरी से घर तबाह हो चुके हैं, घरों का नाम निशान नहीं दिख रहा है। आप देख सकते कैसे खिड़कियों से ऊपर तक जहाँ मलबा पड़ा हुआ है, गाड़ियाँ, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ कैसे मलबे में दबी पड़ी हैं। हम इस समय एक घर की छत पर हैं और इस छत की स्थिति, इसके ऊपर भी पूरी तरीके से मलबा भरा पड़ा है। तो आपको ये हादसे का जो काफ़ी है कि कितनी यह हादसा था, हम इस गांव की खूबसूरती की भी बात करेंगे। हादसे का कितनी तस्वीर हमने दिखाई है, आप देख सकते हैं ये कैसे पूरी तरीके से चाय बागानों से घिरा हुआ ये पूरा इलाका है, बहुत ही खूबसूरत गांव माना जाता रहा है इस हादसे से पहले। आशीष, मैं दोबारा आपके पास लौटूंगा। दिल्ली में जो कोचिंग कांड हुआ, तीन युवाओं की जान चली गई, इस मामले में दिल्ली सरकार की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। तीसरा, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की फीस को रेगुलेट किया जाएगा, क्योंकि ये भी एक परेशानी स्टूडेंट्स की सामने आई है कि बे इंतहा फीस इन कोचिंग सेंटर्स द्वारा ली जाती है। चौथा, इन कोचिंग सेंटर्स को मिसलीडिंग एडवर्टाइजिंग करने से रोका जाएगा। एंड लास्टली और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, ये जो प्रोसेस होगा जिससे कोचिंग सेंटर्स रेगुलेट होंगे, ये वन टाइम प्रोसेस नहीं होगा, रेगुलर इंस्पेक्शंस इन कोचिंग सेंटर्स की करी जाएंगी। ये कोचिंग सेंटर्स रेगुलेशन एक्ट लाने के लिए हम आज एक कमेटी बनाएंगे। इस कमेटी में दिल्ली सरकार के अफसर होने के अलावा हम दिल्ली के अलग अलग हिस्से के कोचिंग सेंटर, कोचिंग हब्स जो हैं, चाहे राजेंद्र नगर, मुखर्जी नगर, लक्ष्मी नगर, इन कोचिंग हब्स के स्टूडेंट्स को भी शामिल किया जाएगा। और जो स्टूडेंट्स अलग अलग एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आईएएस का हो, चाहे सीए का हो, चाहे नीट जेई के एग्ज़ाम्स का हो, उनको इस कमेटी में शामिल किया जाएगा। हमने एक ईमेल एड्रेस भी इसके लिए बनाया है कि हम
पब्लिक का फीडबैक इस कानून पे ले सकें, क्योंकि ऐसा कानून बनाने के लिए सबसे ज़रूरी है उन छात्रों का फीडबैक लेना जो छात्र इस कोचिंग प्रक्रिया से गुजर रहे हैं या जो छात्र इस कोचिंग प्रक्रिया से गुजर चुके हैं। मैं ईमेल एड्रेस अनाउंस कर रही हूँ, coaching.law.feedback@gmail.com 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 दिल्ली सरकार में शिक्षा मंत्री हैं आतिशी, आप उन्हें सुन रहे थे। उनका यह कहना था कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को लेकर कुछ नए नियम बनाए जाएंगे और खासतौर पर बहुत ज्यादा तो बेइंतहा फीस वसूली जाती है उसको लेकर भी सरकार कानून बना सकती है, उस दिशा में प्रयास किया जा सकता है कि उसे रेगुलेट करें। पहाड़ी राज्यों में बारिश की वजह से लगातार नुकसान हो रहा है। उत्तराखंड के कई इलाकों में सड़कों पर लगातार पहाड़ का मलबा गिर रहा है जिससे आवाजाही प्रभावित हुई है। उत्तरकाशी में हाईवे पर मलबा आ गया जिससे सड़क बंद हो गई और अब सड़क से मलबा हटाने का काम चल रहा है ताकि आवाजाही फिर से सामान्य हो सके। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जो इलाके प्रभावित हुए हैं बारिश की वजह से, बादल फटा और उसके बाद आप देख रहे हैं इस इलाके में किस तरीके की स्थिति बन गई। यहीं पर मौजूद है मेरे सहयोगी दीपक रावत, सीधे उन्हीं के पास मैं आपको लिए चलता हूं। दीपक, क्या कुछ आप देख पा रहे हैं अभी, किस तरीके के हालात बने हैं यहां पर? अखिलेश, लगातार बारिश हो रही है और जब बारिश होती है तो मलबा अचानक से सड़क पर आ गिरता है। इस वक्त अगर मैं बात करूं तो उत्तरकाशी के 3 से 4 जगह ऐसी हैं जहां पर सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। ये जिस जगह पर इस वक्त हम मौजूद हैं ये उत्तरकाशी को गंगोत्री से जोड़ने वाली रोड है, हेलगू घाट ये जगह है और कल तक ये पूरी सड़क जो है वो बंद थी। राष्ट्रीय राजमार्ग जरूर है लेकिन बारिश होती है ये मलबा नीचे आता है और सड़क बंद हो जाती है। कल कई घंटों की मशक्कत के बाद ये रास्ता खोला गया इसलिए अब गंगोत्री की तरफ लोग बढ़ पा रहे हैं, लेकिन वहीं अगर उत्तरकाशी से यमुनोत्री की तरफ अगर आप जाएंगे तो वो रास्ता पूरी तरह से बंद हो चुका है क्योंकि वहाँ पर भयंकर लैंडस्लाइड की खबर है। डबरकोट के पास ये हादसा हुआ, एक तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ, ये तस्वीर भागीरथ नदी की, आप देखिए उफान कितना ज़्यादा है, नदी में बहाव काफ़ी तेज़ है और पिछले दिनों की बात करें तो इसी नदी की वजह से, इसके बहाव की वजह से गंगोत्री धाम में बड़ा नुकसान हुआ था। पानी मंदिर के भीतर तक आ गया था, परिसर तक आ गया था और अभी भी जिस प्रकार का डर बना हुआ है, मौसम विभाग का जो अलर्ट है उसके मुताबिक आने वाले दिनों में जब भारी बारिश होगी तो उसका नुकसान भी इस पूरे इलाके को झेलना पड़ सकता है। तो पूरे के पूरे इलाके में लैंडस्लाइड काफ़ी ज़्यादा है, कभी भी बड़े पत्थर नीचे आ गिरते हैं, सड़क बंद हो जाती है, हादसे होते हैं, कांवड़ियाँ जिस तरीके से लगातार इस पूरे रास्ते पर चल रहे हैं, गंगा जल लेने के लिए गंगोत्री तक जाते हैं, उनके लिए भी ये भयानक स्थिति है, इसलिए सावधानी पूर्वक चलने के लिए कहा गया है। तो लगातार तस्वीरें आप देखिए कि देखिए किस तरीके से जो लैंडस्लाइड है जगह जगह पर इसी तरीके से उसकी तस्वीर देखने को मिलती है और उत्तरकाशी का पूरा इलाका लैंडस्लाइड को लेकर काफ़ी प्रोन इलाका माना जाता है और यहाँ पर बादल फटने की भी खबरें लगातार आती रहती हैं। 2 दिन पहले ही बादल फटने की वजह से भारी नुकसान इस पूरे क्षेत्र में हुआ है, लोगों के खेत खलिहान सब पानी में डूब गए हैं। तो स्थिति पर नज़र बनाए हुए है प्रशासन भी और प्रशासन का सीधे तौर पर यह कहना है कि जो इस तरीके की जगह है, कम से कम 4 से 5 स्पॉट ऐसे हैं जहां पर खतरनाक लैंडस्लाइड होता है, वहां पर बचकर चलने की जरूरत है और जब अलर्ट घोषित कर दिया जाता है तो उस वक्त यात्रा न करें, ये सीधे तौर पर निर्देश दिए गए हैं अखिलेश। और आप भी दीपक वहां पर संभाल कर रहे हैं, सुरक्षित जगह से ही रिपोर्टिंग करें। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए आपका। अब बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की जिसने पूरी दुनिया में सनसनी फैला दी है और खबर यह है कि इसराइल ने 7 अक्टूबर को अपने देश में हुए खून खराबे का बदला पूरा कर लिया है। पिछले 9 महीने से बदले की आग में झुलस रहे इसराइल ने आज तड़के हमास चीफ इस्माइल हानिया को ढेर कर दिया। चौंकाने वाली बात यह है कि हानिया को गाजा या फिलिस्तीन में नहीं बल्कि ईरान की राजधानी तेहरान में मारा गया है। हमास ने खुद बयान जारी कर इसकी पुष्टि कर दी है और हमले में एक बॉडीगार्ड की भी जान चली गई है। तो हमास चीफ इस्माइल हानिया मारा गया, इसराइल ने हानिया को मार गिराया है और तेहरान में यह हमला किया गया जिसमें बॉडीगार्ड समेत हानिया मारा गया। अभी की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें तो जो कुछ हुआ था अब से लगभग 9 महीने पहले उसकी परिणति कुछ इस तरीके से सामने आ रही है। इसराइल ने आज तड़के हमास चीफ इस्माइल हानिया को ढेर कर दिया है। हानिया को गाजा या फिलिस्तीन में नहीं बल्कि ईरान की राजधानी तेहरान में मारा गया। हमास ने खुद बयान जारी करके इसकी तस्दीक कर दी है।
तो हमास का चीफ इस्माइल हानिया मारा गया, तेहरान में उसे मार गिराया गया है। और ना सिर्फ हानिया बल्कि उसके साथ जो उसका बॉडीगार्ड वहां मौजूद था उसे भी मार गिराया गया। हमास हालांकि यह कह रहा है कि हानिया के हथियारों को बख्शेंगे नहीं, यानी आप समझ सकते हैं कि जो ये तनाव है और ज्यादा आगे की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हमास चीफ इस्माइल हानिया को तेहरान में मार गिराया गया है। तो जिस तरीके से इसराइल में घुसपैठ हुई थी, वहां पर लोगों पर हमला किया गया था, आप देख रहे हैं उसका बदला किस तरीके से इसराइल ने लिया है। पिछले काफी दिनों से युद्ध की स्थिति बनी हुई थी और अभी की सबसे बड़ी खबर यही है कि इसराइल ने आज सुबह हमास चीफ इस्माइल हानिया को ढेर कर दिया। और सबसे प्रमुख बात, खास बात, गौर करने वाली बात यह है कि गाजा या फिलिस्तीन में नहीं बल्कि ईरान की राजधानी तेहरान में इसे मार गिराया गया। मेरे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ मेरे साथ मौजूद हैं। और मैं दर्शकों को बता दूं कि अभिषेक खुद भी युद्ध क्षेत्र में गए थे, वहां से उन्होंने रिपोर्टिंग भी की थी। अभिषेक, क्या अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए अभी तक जो जानकारी मिल रही है अखिलेश, उसमें दो माध्यमों से जानकारी मिल रही है। पहला ईरान से, ईरान की जो रिवॉल्यूशनरी गार्ड है उसने बयान जारी किया और उसने उस बयान में कहा है कि जिस बिल्डिंग में इस्माइल हानिया रुका हुआ था उस बिल्डिंग को टारगेट किया गया है, लेकिन घटना का एग्जैक्ट ब्यौरा अभी नहीं दिया है। अभी कुछ देर पहले हमारी ईरान का जो भारत में दूतावास है अखिलेश, उनसे भी बात हुई है, उन्होंने भी वही बात की कि अभी जो ईरान रिवॉल्यूशनरी गार्ड का बयान है उसी बयान को आप मान करके चलिए कि हमारा आधिकारिक बयान है, जल्दी हम घटना का ब्यौरा देंगे कि किस तरह से ये हमला किया गया। मैं एक अहम बात आपको ये भी बता दूं कि इस्माइल हानिया कतर में बेस था लंबे समय से और वो ईरान आया हुआ था, ईरान के जो राष्ट्रपति हैं नए राष्ट्रपति उनके इनॉग्रेशन सेरेमनी के लिए आया हुआ था और उसके वहां से लौटने के बाद ही ये अटैक किया गया है। मोसाद की मोस्ट वांटेड लिस्ट में इस्माइल हानिया था और आज जो आप हमास का आज जो स्वरूप देख रहे हैं, जो पोलिटिकल फ्रंट है वो गाजा का, उसकी नींव रखने वाला ही इस्माइल हानिया था। तो ये बहुत ही ज्यादा इस पूरे महत्वपूर्ण किरदार था इसराइल और हमास के बीच में जो जंग छिड़ी हुई है। और अभी हाल ही में जो गाजा पट्टी और इसराइल के बीच में अभी जो लड़ाई हाल में हुई है, जिस तरह से इसराइल पर अटैक किया गया था उस मामले में भी इस्माइल हानिया की भूमिका संदेह के घेरे में थी। एक बात मैं आपको और बता दूं अखिलेश, इसके पहले उत्तरी गाजा में एक स्ट्राइक इसराइल ने की थी जिसमें कि इस्माइल हानिया के 3 बेटों को मार दिया था, 2 ग्रैंड चिल्ड्रन मारे गए थे। तो इस्माइल हानिया और उसका परिवार अरसे से इसराइल के निशाने पर था और उसी कड़ी में 3 बेटों के और 2 ग्रैंड चिल्ड्रन की मौत के बाद इस्माइल हानिया को भी ठिकाने लगा दिया गया है। देखिए अभिषेक, महत्वपूर्ण बात यह है कि तेहरान में इसे मार गिराया गया, तो क्या यह कवर्ड ऑपरेशन था? क्या कुछ इस तरीके की कोई गुप्त जानकारी मिली होगी वहां एजेंसियों को और उसके तहत फिर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया होगा? यही माना जा रहा है कि कोवर्ट ऑपरेशन था। हालांकि इसराइल ने आधिकारिक तौर पे कुछ नहीं कहा और इसराइल की आज की नहीं, इसके पहले जब भी ऐसा कोई ऑपरेशन हुआ है तो इसराइल कभी उसको ओन नहीं करता है, ऑफिशियली ओन नहीं करता है। लेकिन देखिए इसराइल के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वहां के जो सांसद हैं उनका बयान आना शुरू हो गया है, वहां इस तरह के बयान आ गए हैं कि ये ठीक हुआ है, तब भी उन्होंने ओन नहीं किया है कि हमने किया है, लेकिन कहा है ये जो हुआ है वो ठीक हुआ है। एक अहम बात ये कि हमास ने जो बयान जारी किया उन्होंने ज़ायोनिस्ट रेड कहा है, यानी कि उनका सीधा सा आशय ये कि इसराइल ने रेड में मारा है, तो इसराइल इसको ओन तो नहीं करेगा, ये एकदम क्लियर है। लेकिन ये हर तरफ मामला जो है वो दूध की तरह साफ है कि इस मामले में जो एक्शन है वो इसराइल की ओर से लिया गया है, यही हमास कह रहा है, यही ईरान कह रहा है, लेबनान की ओर से यही बात आ रही है। और यमन, आप सोचिए, यमन जो हूती विद्रोही हैं जिनकी लड़ाई बहुत दिन से सुर्खियों बनी हुई है, उन्होंने भी ये बयान जारी कर दिया कि ये बहुत ही गलत हुआ है। तो आप समझिए चौतरफा रिएक्शन आ रहे हैं और सारी जो निगाहें हैं खासतौर पर जो अरब मुल्कों की निगाहें हैं वो इसराइल की ओर टिकी हुई है। बिल्कुल, और हमास चीफ को यूं तेहरान में मार गिराना जाहिर तौर पर पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी घटना है, तनाव और ज्यादा बढ़ सकता है। इस खबर पर कुछ और जानकारी हमें मिलेगी तो आगे आप तक हम पहुंचाएंगे। फिलहाल अभिषेक धन्यवाद आपका। अब आगे बढ़ते हैं खबरों में। दिल्ली के राव आईएएस कोचिंग में 3 छात्रों की मौत को लेकर लगातार छात्रों का प्रदर्शन जारी है। छात्र अब अपनी मांगों को लेकर भूख हड़ताल कर रहे हैं। छात्रों की मांग है कि पीड़ित परिवार को 5-5 करोड़ रुपए मुआवजा दिया जाए, बेसमेंट में लाइब्रेरी चलाने पर पूरी तरीके से रोक लगे। तो जो छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं उनकी मांग अभी भी अपनी जगह कायम है। कोचिंग में मौत के खिलाफ प्रदर्शन जारी है।
जिस तरीके से बेसमेंट में लाइब्रेरी चल रही थी उस पर पूरी तरह से रोक लगाने की मांग भी है इनकी। यह भी कहना है कि जो पीड़ित परिवार है उसे 5-5 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए। आइए इसी खबर पर और ज्यादा अपडेट लेते हैं। मेरे साथ आजातिका भी मौजूद हैं, निपुण सहगल भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। निपुण, कुछ जानकारी और भी आपको मिल पा रही है या कुछ छात्रों से अगर आपकी बात हो पाई हो, क्या कह रहे हैं वो? देखिए, छात्रों से तो मेरी बात नहीं हुई अखिलेश, लेकिन आज एक अहम सुनवाई है दिल्ली हाई कोर्ट में जरूर इस मसले पर, और जो कि दिल्ली हाई कोर्ट निश्चित रूप से सारे ग्रीवेंसेस को देखेगा। एक PIL फाइल हुई है जिसमें ये मांग की गई है कि जितने भी ये सब अवैध गतिविधियां चल रही हैं उनकी जांच हो, जो कंस्ट्रक्शन अवैध दिल्ली में हो रहे हैं उनका जिलावार उनकी जांच हो, और ख़ास तौर पर इस मामले की जिसमें 3 छात्रों की मौत हो गई है उसकी उच्च स्तरीय जाँच हो, दिल्ली हाईकोर्ट की निगरानी में जाँच हो। इसे अब से थोड़ी देर के बाद दिल्ली हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस तुषार राव गडेला की बेंच सुनने वाली है, तो मुझे लगता है अगले आधे घंटे में ये सुनवाई शुरू हो जाएगी। निपुण, मैं आऊंगा आपके पास दोबारा, आगे भी बातचीत करेंगे, लेकिन आजातिका के पास अब चलते हैं, जो चूंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आजातिका आप वहां पर मौजूद हैं जहां पर आपके पीछे स्टूडेंट्स वगैरह भी मुझे दिख रहे हैं और पुलिसकर्मी भी नजर आ रहे हैं। आज क्या अपडेट है वहां से आपके पास? बिल्कुल, देखिए बिल्कुल अखिलेश, तस्वीरें मैं आपको सीधे दिखा रही हूँ प्रदर्शन स्थल से ही। ये ओल्ड राजेंद्र नगर का इलाका है, आपको तमाम स्टूडेंट्स दिखाई देंगे और सवाल पूछते हुए वो नजर आ रहे हैं, और जिस शख्स से वो सवाल पूछ रहे हैं वो दरअसल असिस्टेंट कमिश्नर हैं तारिक थॉमस, जो कि स्टूडेंट्स के बीच में पहुंचे हैं और स्टूडेंट्स के तमाम सवालों का जवाब दे रहे हैं। देखिए, एक स्टूडेंट ने बिजली को लेकर पूछा कि अगर हमारे बिल्स जो हैं जो जितना तय किया गया है दिल्ली में 200 यूनिट 250 यूनिट फ्री है, उसके बावजूद जो हमें बिल पे करना पड़ता है वो पर यूनिट के हिसाब से पे करना पड़ता है, और हमें 200 यूनिट जो कि पूरी बिल्डिंग पर फ्री होना चाहिए, अलग अलग स्टूडेंट से भी 200 यूनिट से ज़्यादा चार्ज किया जाता है, उस पर भी वो जवाब दे रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो स्टूडेंट ने पूछा वो ड्रेनेज सिस्टम को लेकर पूछा कि आखिर ड्रेनेज सिस्टम की सफाई क्यों नहीं होती है, यहाँ पर क्यों इतना ज़्यादा पानी भर जाता है जिस वजह से ये घटना भी हुई। तो देखिए, असिस्टेंट कमिश्नर ने उसका जवाब देते हुए कहा क्योंकि इस इलाके में ओवर पॉपुलेशन हो गई है, ओवर बर्डन हो गया है, इसलिए जितनी कैपेसिटी के लिए वो ड्रेनेज बने थे उससे ज़्यादा वो ओवरफ्लो होते रहे हैं। हालांकि स्टूडेंट्स का काउंटर ऐसे में यही रहा है क्योंकि अगर वो ओवरफ्लो भी होते रहे हैं तो ड्रेनेज की वक्त वक्त पर सफाई क्यों नहीं होती, अगर सफाई होती तो भी ये परेशानी शायद नहीं होती। ऐसे तमाम सवाल स्टूडेंट्स अपने अधिकारी से पूछ रहे हैं, और जैसे कि हमने कल भी दर्शकों को बताया था, स्टूडेंट्स का ये कहना था कि जब तक कोई प्रशासनिक अधिकारी या जो जिम्मेदार व्यक्ति है वो यहाँ नहीं आते हैं तब तक वो अपनी भूख हड़ताल खत्म नहीं करेंगे। 24 घंटे हो गए हैं आगे बैठे हुए, मैं फिर से कैमरा दिखा देती हूँ और दर्शकों को वो तस्वीर दिखा, हम देख पा रहे हैं 24 घंटे। मैं आऊंगा आपके पास दोबारा, भी इस पर आगे बात करेंगे। दरअसल छात्रों की समस्याएं यहाँ अपरंपार है, वाकई में छात्रों का शोषण होता है। दूर दराज से जो छात्र यहाँ पढ़ाई लिखाई करने आते हैं हर तरीके से उनसे ज्यादा पैसा वसूला जाता है, चाहे वो किराए के तौर पर दे रहे हो, बिजली बिल के तौर पर दे रहे हो, ना रहने की अच्छी सुविधा मिल पाती है। और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की फीस की बात की जाए तो वो तो बिल्कुल बेलगाम हो चुके हैं। दिल्ली के राजेंद्र नगर की कोचिंग में मौत को लेकर हर एजेंसी कटघरे में है, अब कार्रवाई हो रही है, लेकिन सवाल ये कि अगर पहले से नियम का पालन होता तो 3 छात्रों की जान नहीं जाती। और अभी की बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, दिल्ली सरकार अब कानून बनाकर ऐसी घटनाओं को रोकने का प्रयास करेगी। सरकार कोचिंग इंस्टीट्यूट रेगुलेशन एक्ट लाएगी, फीस को भी रेगुलेट किया जाएगा, भ्रामक प्रचार पर रोक लगेगी, समय समय पर कोचिंग सेंटर की जांच भी की जाएगी। तो ये बातें दिल्ली सरकार की तरफ से कही गई हैं। क्या कुछ कहा इस दौरान शिक्षा मंत्री आतिशी ने, आपको सुनवाते हैं। दिल्ली सरकार एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन के तहत एक कोचिंग इंस्टीट्यूट्स रेगुलेशन एक्ट लेकर आएगी। इसमें कई पक्ष शामिल होंगे, सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर रेगुलेशन कि कितना मिनिमम इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कि ये कोचिंग इंस्टीट्यूट के पास होना चाहिए। जिस तरह से स्कूल्स, नर्सिंग होम्स, सबको एक इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट दी जाती है, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की फीस को रेगुलेट किया जाएगा, क्योंकि ये भी एक परेशानी स्टूडेंट्स की सामने आई है कि बे इंतहा फीस इन कोचिंग सेंटर्स द्वारा ली जाती है। चौथा, इन कोचिंग सेंटर्स को
मिसलीडिंग एडवर्टाइजिंग करने से रोका जाएगा। एंड लास्टली और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, ये जो प्रोसेस होगा जिससे कोचिंग सेंटर्स रेगुलेट होंगे, ये वन टाइम प्रोसेस नहीं होगा। रेगुलर इंस्पेक्शंस इन कोचिंग सेंटर्स की करी जाएगी। तो आपने सुना आतिशी जो कह रही है, दरअसल ये सब कुछ बहुत पहले हो जाना चाहिए था। ये जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स मशरूम की तरह उगाए हैं दुनिया भर सैकड़ों की संख्या में, इनके लिए रेगुलेशन बहुत जरूरी है। मैं अब आपको दिल्ली सचिवालय लिए चलता हूं। अहमद बिलाल मेरे सहयोगी वहीं पर मौजूद हैं। बिलाल, किस तरह की कार्रवाई और की गई है अब तक सरकार की तरफ से, कुछ अपडेट है वहां से? बिल्कुल, देखिए अखिलेश, आपको बताना चाहूंगा कि अब तक 30 कोचिंग सेंटर के खिलाफ जो है वो एमसीडी की तरफ से कार्रवाई की जा चुकी है और उनको सील किया जा चुका है। और इसके अलावा तकरीबन 200 कोचिंग सेंटर को एमसीडी ने शोकॉज नोटिस भी जो है वो जारी किया है कि किस तरीके की वहाँ पर जो लीगल एक्टिविटीज चल रही हैं वो क्यों चल रही हैं, इसको लेकर के शोकॉज नोटिस जो है वो जारी किया गया। और संतोषजनक जवाब ना देने की स्थिति में ये भी दावा किया जा रहा है एमसीडी की तरफ से कि उनको भी सील किया जाएगा। हाँ, एमसीडी के सूत्र हमें यह भी बता रहे हैं कि दिल्ली के अलग अलग इलाकों में आज भी कोचिंग सेंटरों पर और जो बेसमेंट में लाइब्रेरी जिस तरीके से चलाई जाती है उन पर आज भी कार्रवाई जो है वो देखने को मिल सकती है। आज जो दिल्ली सरकार में मंत्री हैं आतिशी, उसके अलावा उन्होंने एक बड़ी बात आज ये कही है कि एक तरीके से कह सकते हैं कि दिल्ली सरकार की कोशिश है कि वो कहीं ना कहीं अपने पाले से गेंद को जो है वो केंद्र सरकार के पाले में डालने की कोशिश जो है वो देखने को मिल रही है। उनका कहना है कि जो अवैध जो कोचिंग चलाई जा रही हैं दिल्ली में और जिस तरीके के से राजेंद्र नगर में घटना जो है सामने आई, उसमें सिर्फ लापरवाही नहीं बल्कि आपराधिक लापरवाही बनती है और उन 30 कोचिंग सेंटरों के खिलाफ क्रिमिनल निग्लिजेंस के भी मामले जो है वो दर्ज किए जाने चाहिए। यानी सिर्फ सील करने से ही बात जो है वो खत्म नहीं हो जाती। आतिशी का कहना है कि हमारे हाथ में जितना था हमने वो सील कर दिया, लेकिन अब केंद्र सरकार के बारे में बिलाल टोपी ट्रांसफर का खेल चल रहा है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार हो। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का इस पूरी जानकारी के लिए। कुल मिलाकर जरूरी यह है कि छात्रों के जो भी ये संस्थान है, कोचिंग इंस्टीट्यूट है, उनको लेकर सख्त नियम कानून बने। ये जिस रेगुलेशन की बात अब की जा रही है, ये चीजें बहुत पहले हो जानी चाहिए थी।